नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ओके क्रेडिट में। और आज एक बार फिर से लेकर आई हूँ एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसकी लगातार हमें रिक्वेस्ट आ रही थी। रिक्वेस्ट थी कि डिस्पोजल कप या फिर पेपर कप का बिजनेस कैसे शुरू करें। और कई ऐसे दर्शक हैं जो डूना पत्तल का बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे। तो डूना पत्तल का बिजनेस हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन ये बिजनेस पे अगर आप सुन लेंगे ना तो काफी ज्यादा मेल खाता है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ, इस वीडियो के जरिए हमने तमाम वो पहलू कवर करने की कोशिश की है जो आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जो आपके बिजनेस को ये बता सकते हैं कि ये स्टेप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको रिस्क जो है वो मिनिमम उसका स्कोप रहेगा। क्योंकि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं सबसे पहला डर यही होगा कि कहीं डूब तो नहीं जाएगा, कहीं पैसा तो नहीं हमारा फंस जाएगा, या फिर बिजनेस शुरू करना है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो तमाम पहलुओं को आप अच्छे से समझिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि क्या करना है। देखिए, पेपर कप का मार्केट आउटलुक। जहाँ तक पेपर कप की बात है तो मार्केट में जितनी इस प्रोडक्ट की मांग है उस हिसाब से इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी कम है। जैसे जैसे लोग इको फ्रेंडली उत्पादों की तरफ जागरूक हो रहे हैं उस लिहाज से पेपर से बनी चीजों की मांग और ज्यादा बढ़ रही है। यही कारण है कि हमारे देश में भी अलग अलग तरह के पेपर से बनी चीजों का उत्पाद हो रहा है और इंडिया के मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। यही कारण है कि इस बिजनेस को इंडिया में भविष्य से जोड़कर माना जा रहा है। पेपर कप के व्यवसाय से होने वाली इनकम इस बात पर भी आधारित है कि लोग इसका इस्तेमाल किन जगहों पर और कब करते हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल करने में भी आसान होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल और साफ होते हैं। जैसा कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि पेपर कप हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और इसे इस्तेमाल करने में किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती, इसलिए इसकी मार्केटिंग करने में भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना होगा। या ये कह सकते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर किसी को पेपर कप के इस्तेमाल और उसके फायदे के बारे में अच्छे से पता है और इसको बनाने के लिए कच्चा माल भी आसानी से आपको मिल जाता है। कैसे शुरू करें पेपर कप बनाने का बिजनेस? पेपर कप बनाने के लिए सबसे जरूरी है इसे बनाने वाली मशीन, और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा महंगी भी आपको इसकी मशीन ही पड़ेगी। पेपर कप बनाने वाली मशीन के साथ ही आपको इस बारे में भी जानना जरूरी है कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा जरूरी मार्केट रिसर्च। इसमें कोई दो राय नहीं कि पेपर कप की जरूरत आजकल हर सेक्टर और जगहों पर पड़ती है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बे और गाँव तक में किया जाता है, लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर में आपको अपनी फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट के साथ अपने स्थान से ज्यादा दूर भेजने में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको अपने शहर के लोकल मार्केट में रिसर्च करके अपना प्रोडक्ट की सप्लाई करनी होगी। आप शुरू में अपने नजदीकी मार्केट, चाय की दुकान, होटल, ढाबों, जनरल स्टोर या फिर किसी बड़े मॉल या सुपरमार्केट में इन्हें सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जानना काफी आवश्यक है कि आपके एरिया या फिर जहां आप अपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं वहां इस तरह का कोई बिजनेस पहले से तो नहीं चल रहा। आपके नजदीकी लोग किन किन मौकों पर पेपर कप या पेपर से बने डिस्पोजेबल का इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार और आकार के कप की मांग उस एरिया में है, इसके आधार पर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यानी बिजनेस को सफल बनाने के लिए मार्केट का आंकलन करना जरूरी है। पेपर कप के लिए बिजनेस प्लान। जब आपको पता चल जाए कि आपके एरिया में पेपर से बने कप या डिस्पोजेबल की मांग काफी ज्यादा है तो आपको अपने बिजनेस के लिए प्लान बनाना होगा जिससे आप उसे तरक्की की राह पर ले जा सकें। बिजनेस प्लान को सफल बिजनेस का रोडमैप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किसी भी बिजनेस के लिए सटीक प्लान काफी जरूरी है। आप चाहें तो अपना बिजनेस प्लान एक कॉपी या फिर डायरी बनाकर उनमें लिख सकते हैं। इसमें न सिर्फ आपके आज का बल्कि फ्यूचर में आपके बिजनेस किस ओर जाएगा और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। पेपर कप बिजनेस के लिए बजट। आपके द्वारा बिजनेस प्लान तैयार करने के बाद अब आपके प्रोजेक्ट पर लगने वाले बजट के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अब अगर आपके पास पेपर कप की फैक्ट्री डालने के लिए ठीक ठाक बजट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसके लिए एक अच्छा खासे बजट की जरूरत पड़ेगी ताकि आपकी फैक्ट्री और आपका काम सही से शुरू हो सके। आज के समय में पैसों का इंतजाम करने के लिए कोई औपचारिक और अनौपचारिक तरीके मौजूद हैं। जहां तक इनफॉर्मल तरीकों की बात है तो आप इसके लिए अपने परिवार या फिर किसी सदस्य या रिश्तेदार से उधार मांग सकते हैं, और फॉर्मल तरीके की बात करें तो किसी फाइनेंसिंग या किसी बैंक से पैसों का इंतजाम किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो आप सरकारी सब्सिडी लोन के बारे में जानना चाहिए जिसे सरकार ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए आसानी से दे देती है। कप फैक्ट्री के लिए दुकान, जगह और लोकेशन। फैक्ट्री के लिए आपको ऐसी जगह की जरूरत है जहां अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चलाया जा सके। हालांकि कोई भी फैक्ट्री आबादी वाली जगह से दूर होती है, लेकिन पेपर कप बनाने वाली मशीन का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता तो आप चाहें तो अपने घर पे इस मशीन को लगा सकते हैं, लेकिन मशीन के अलावा आपको इसका कच्चा माल और छोटे से ऑफिस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 500 से 600 स्क्वायर फीट तक की जगह तो काफी सही होगी। लेकिन अगर आप इसे बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आप कोई दुकान
या फिर खाली जगह ले सकते हैं, लेकिन जगह लेते समय लीज या रेंट एग्रीमेंट जरूर करा लें। बिजनेस के लिए जरूरी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, अगर आप चाहें तो शुरू में अपने बिजनेस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में प्रोपराइटरशिप के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई खास औपचारिकताओं को पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके द्वारा पेपर कप के प्रोडक्ट को सरकारी एजेंसीज भी खरीदें तो उसे अपने बिजनेस के उद्योग आधार में भी रजिस्टर करा सकते हैं। मशीनरी, कच्चा माल और जरूरी उपकरण, पेपर कप बनाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन की कीमत 6 लाख से 15 लाख तक हो सकती है। मशीन का रेट उसके द्वारा बनाने वाले उत्पादन क्षमता के आधार पर अलग अलग होता है, यानी जो मशीन हर घंटे में ज्यादा पेपर कप बनाती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जो मशीन कम उस मशीन की कीमत कम। तो आप अपने बजट और बिजनेस के आकार पर उस हिसाब से मशीन को खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, जैसे खास तरह के पॉली कोटेड पेपर, डाई और प्रिंटिंग केमिकल, बॉटम रील पेपर, पेपर कप को पैक करने के लिए पीपी कवर और कार्टन बॉक्सेस। पेपर कप की फैक्ट्री के लिए कर्मचारी, आपकी फैक्ट्री में कर्मचारियों की नियुक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस लेवल में अपना काम शुरू करते हैं और आपके प्लांट की प्रोडक्शन क्षमता क्या है। यानी जितनी बड़ी आपकी फैक्ट्री होगी आपके उतने ही कर्मचारियों को अपने साथ साथ जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के एक नॉर्मल प्लांट के लिए आपको लगभग 5 से 6 लोगों को साथ जोड़ना ही पड़ेगा। इसमें एक मैनेजर जो मार्केटिंग और प्रोडक्शन दोनों की जिम्मेदारी संभालेगा, और अगर आप चाहें तो आप खुद भी इस काम को कर सकते हैं, इससे आपका पैसा काफी बच जाएगा। इसके साथ ही 2 मशीन ऑपरेटर, पेपर कप की चेकिंग और पैकेजिंग के लिए आप चाहें तो महिला कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 ऐसी महिलाओं की जरूरत होगी जो आसानी से इस काम को कर सके। साथ ही एक ऑफिस असिस्टेंट की भी आपको जरूरत पड़ेगी। इस काम में सबसे बड़ी और अच्छी चीज ये है कि आपको इस काम के लिए किसी कुशल कारीगर या फिर अनुभवी व्यक्ति की खास जरूरत नहीं है, इसलिए आपको अपने काम के लिए कर्मचारियों की खास खोज नहीं करनी पड़ेगी। अपने वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को आसानी से मैनेज करें। ओकी क्रेडिट आपके लिए लाया है ओकी स्टाफ, एक ऐसा ऐप जिसके जरिए आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्टाफ की सैलरी और अटेंडेंस बहुत आसानी से। ओकी स्टाफ काफी सारी लोकल भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि। ये ऐप 1 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पूर्णतः भारतीय ऐप है। अधिक जानकारी के लिए देखें और डाउनलोड करें इसे गूगल प्ले स्टोर से। तो मुझे लगता है कि अब तक आप मन बना चुके होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर आपको पहले से ही जरा भी इंटरेस्ट था पेपर कप के बिजनेस में तो आप इस बिजनेस को शुरू करने की सोच सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बिजनेस ही क्या, हर चीज में रिस्क है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो उसमें भी जाने का रिस्क रहता है, आपकी बंदी बनाई सैलरी चली जाती है, लेकिन बिजनेस में रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं उठाएंगे तो आप कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। और पेशेंस दूसरा स्टेप है बिजनेस का, पेशेंस आप जरूर रखिए। 1, 2, 3 साल भर आप वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ आप आगे बढ़े हैं तो मुझे लगता है वो काफी है एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी काम ऑनेस्टी से कीजिए, पूरी लगन के साथ कीजिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।